तो फांसी वाली जगन्नाथ पुरी सुभद्रा तीनों रथ यात्रा में वहां जाते। शुरू शुरू में जब जगन्नाथ जी प्रकट हुए इंद्रदुम्न महाराज को अभी थोड़ी देर में बोलता वाली यानी गुंडीचा मंदिर। जब जगन्नाथ जी प्रकट उन्होंने आदेश दे दिया कि देखो समुद्र में चतुर्तीर्थ नहीं, इसी जगह समुद्र में तीन लकड़ी बहती हुई है और उन्हीं को उठा लेना और उन्हीं से ही मूर्ति बने। उन लकड़ी जगन्नाथ और सुभद्रा हमारी तीनों की तीनों स्वरूप बन जाए और वही स्थापना होगी पूजा हो। इस प्रकार जो पहला आदेश हुआ उस आदेश में यही पर उन्होंने ही चक्रतीर्थ में तेल लकड़ी देखते हुए उनको मिला जो पानी में बहता हुआ जाता है, इनको उठाया उठा कर ये गए गुंडीचा मंदिर। वहीं पर ले जाकर के मूर्ति निर्माण की व्यवस्था बनी, परंतु कोई भी कारीगर कुछ भी कर नहीं सके, सब बिगड़ गया, कोई कर नहीं पाए। एक वृद्ध ब्राह्मण भोर भरने वाले वे आए, बोले कि मैं जगन्नाथ जी की मूर्ति प्रकाश कर मुझे दिया था। बोले अच्छा, बोले कि मेरे लिए एक शर्त होगा कि दरवाजा हम बंद करके रखेंगे, अंदर काम करेंगे, किसी को आना नहीं, दरवाजा खोलना नहीं, जब खोल देगा या कोई देख लेगा तब कोई भी काम नहीं होगा, बंद रहेगा। वही हुआ, शर्त लगा करके उन्होंने दरवाजा बंद कर दी। एक एक दिन करते करते 14 दिन तक बंद रहा दरवाजा। तो रानी बोली कि ये आदमी अंदर में घुस गया, ना पानी लिया, ना खाने पीने का कुछ भी नहीं लिया, कोई काम करे तो कोई ठोका ठोके आवाज तो होगा, कुछ भी नहीं, इसका मतलब कोई आत्महत्या करने के लिए यहाँ आ गया कि भगवान का प्रकाश होगा। तो इसी में स्नान यात्रा के समय भगवान का इतना पानी में स्नान कराता है कि पानी में भीगते भीगते ही भगवान को भी बुखार आ जाता है, असल में बुखार आता है क्या या ये लोगों को धोखा देने वाली बात है? अरे भगवान का बुखार होता है क्या?